वेलकम बैक स्टूडेंट्स, ओके वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन। ओके ओके, लास्ट कौन से क्वेश्चन में थे हम? चलो क्वेश्चन नंबर 3। ओके, मृत्युदंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी? उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए। मृत्यु दंड के पहले बालक ने अपनी पूजनीय माता के दर्शन करने की शिवाजी से भीख मांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? उत्तर लिखिए। शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्यु दंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे प्रश्न 2। निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है? लिखिए। जब तुम्हें इतना कष्ट था तो तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? ये जो सेंटेंस है वो शिवाजी ने मालोजी से कहा था। शिवाजी ने मालोजी से कहा था। दूसरा, या यूं कहो कि शिवाजी ने मालोजी से पूछा। दूसरा प्रश्न, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूं। उनका उत्तर है, मालोजी ने शिवाजी से कहा था। तीसरा है, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। ये कहा था तानाजी ने शिवाजी से। तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। कौन किसे कहता है? शिवाजी मालोजी से कहते हैं, माफ करना, शिवाजी तानाजी से कहते हैं। वो तो अंत में कहते हैं, ये तो बीच में तानाजी से ही बात कहते हैं। पांचवा प्रश्न, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। कौन कहता है? दरबार किनसे कहते हैं? शिवाजी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। शिवाजी मालव जी से कहते हैं। सातवां प्रश्न, महाराज यह शरीर आपका है, ये मालव जी शिवाजी से कहते हैं। निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, उसकी आवश्यकता नहीं है। प्रश्न चार में उदाहरण आधारित नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो जैसे उदाहरण में दिया, छोड़कर पीसने अपना बापू लगे काम आटा, अब इसको रीअरेंज करना है एक प्रॉपर सेंटेंस के तौर पर। तो क्या है उत्तर, क्या बापू अपना काम छोड़कर आटा पीसने लगे। तो प्रश्न पहला है, देखते दृष्टि से प्रेम शिवाजी और उसकी रहे, तो इसका उत्तर क्या आएगा, शिवाजी उसकी और प्रेम दृष्टि से देखते रहे। शिवाजी उसकी ओर प्रेम दृष्टि से देखते रहे। सेकंड क्वेश्चन, बात सत्य है जो उसे अवश्य बता मैं दूंगा। जो बात सत्य है, उत्तर लिखे जो बात सत्य है उसे अवश्य बता दूंगा। जो बात अवश्य है उसे मैं बता दूंगा। नेक्स्ट लाइन, क्या तुम्हारे फिर मन में बात थी। तो उसके रीअरेंज है कि फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी। नेक्स्ट लाइन, प्राण नौछावर अपने देश की लिए रक्षा के उन्होंने कर दिए, अपने देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण नौछावर कर दिए। उन्होंने अपने देश के लिए अपने देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ये है इसका रीअरेंज वर्जन। अब प्रश्न क्रमांक पांच, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उनके भेद लिखिए। प्रश्न क्रमांक एक, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते। परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते, उसका विशेषण है परिश्रमी। इस प्रकार लिखना है आपको, जैसा पहला प्रश्न है,
परिश्रमी छात्र। तो बी असफल नहीं होते, ठीक है। कि पूरा आपको सेंटेंस लिखना है, ठीक है। तो इसमें विशेषण क्या है? परिश्रमी, और उसका भेद क्या आएगा? गुणवाचक। परिश्रमी जो होता है वो क्या होता है? गुणवाचक। प्रश्न क्रमांक दो। प्रश्न है, अब्दुल 20 किलो आटा लाया। 20 क्या है? अच्छा, इसमें विशेषण क्या है? 20। और उसका भेद क्या आएगा? 20 किलो, 20 किलो। क्या है? परिमाण, परिमाण वाचक। परिमाण मतलब प्रमाण, कितने प्रमाण में, कितना क्वांटिटी। इट्स ऑल अबाउट द क्वांटिटी। तो परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी, और क्वांटिटी के आधार पे 20 किलो कह सकते हैं ना क्वांटिटी में। तीसरा प्रश्न, राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। 5 मीटर अगेन, परिमाण मात्र कंटिन्यू आपको लिखना है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पच्चीस छात्रों ने सही उत्तर दिए, तो ये क्या गया? संख्या वाचक। 25 संख्या वाचक, ठीक है। संख्या है, प्रमाण नहीं, ये परिमाण नहीं, ये ध्यान रखना है, क्वांटिटी नहीं है, संख्या वाचक। इसमें संख्या का जिक्र किया है, परिमाण नहीं, ये किलो है ना तो मीटर है। पांचवा प्रश्न, दीपावली में हमने बहुत मिठाई खरीदी। बहुत मिठाई, बहुत इसमें जो है वो शब्द आता है बहुत, बहुत में कितना भी हो सकता है, तो क्या कितने प्रमाण में, तो परिमाण वाचक, परिमाण वाचक पूरा लिखना है आपको। छठा प्रश्न, रेशमा के पास 3 किताबें हैं। 3 किताबें, वो क्या है? संख्या वाचक। संख्या वाचक। कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे हैं। कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे हैं। अनिश्चित, कुछ में कुछ भी हो सकता है।
अनिश्चित वाचक। कौन है वो नहीं पता है ना, तो अनिश्चित में आता है, कुछ में कौन आता है वो नहीं पता। ये माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला, थोड़ा थोड़ा में क्या आएगा, परिमाणवाचक, थोड़ा क्वांटिटी। नवा प्रश्न, वे लड़के शोर मचा रहे हैं, वे में क्या आएगा, इसमें विशेषण है, वे, तो वे में क्या आएगा, सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक, सार्वनामिक। दसवें में आप किस आदमी की बात कर रहे हैं, किस, इस भी आएगा सार्वनामिक विशेषण। कौन, किसके, अगर सार्वनामिक। ओके, चलो विधानों का पूर्ण कीजिए, विधानों को पूर्ण कीजिए। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता, परंतु मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। अंडरलाइन में लिखना है आपको, पेट की भूख सहन नहीं कर सकता ना, मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है परंतु, फिर ये जो लाइन में लिखना है वो लिखना है, पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। सेकंड क्वेश्चन, मालव जी शिवाजी का वध न कर सका क्योंकि, मालव जी शिवाजी का वध न कर सका क्योंकि तानाजी ने उसका हाथ पकड़ लिए, तानाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्रश्न क्रमांक 3, मालवजी झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता था, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता था क्योंकि, वह वीर पुत्र था, क्योंकि वह वीर पुत्र था। प्रश्न क्रमांक 4, मारने वाले से अंडरलाइन, मारने वाले से के बाद जो अंडरलाइन में वो लिखना है, बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है।
प्रश्न क्रमांक अगला प्रश्न एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो प्रश्न एक लिखिए कि मालव जी कौन था, मालव जी कौन था। नेक्स्ट लाइन, मालव जी शिवाजी की सेवा का एक मालव जी शिवाजी की सेना का एक सिपाही का पुत्र था। मालव जी शिवाजी का शिवाजी की सेना का एक सिपाही का पुत्र था। दूसरा प्रश्न, मालव जी शिवाजी का वध क्यों करना चाहता था। उत्तर लिखिए, मालव जी धन की लालच में शिवाजी का वध करना चाहता था। लालच में शिवाजी का वध करना चाहता था। तीसरा, मालव जी को धन का लालच किसने दिया था। उत्तर लिखिए, मालव जी को धन की लालच धन का लालच एक सैनिक ने दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने मालव जी की कौन सी इच्छा पूरी की। उत्तर लिखिए, शिवाजी अपनी माँ के दर्शन करने की अपनी माँ के दर्शन करने की मालव जी की इच्छा शिवाजी ने पूरी की। उत्तर लिखिए, अपनी माँ के दर्शन करने के लिए माँ के दर्शन करने की मालव जी की इच्छा शिवाजी ने पूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने तानाजी का आभार क्यों माना। माना। उत्तर लिखिए, शिवाजी ने तानाजी का आभार माना क्योंकि उन्होंने शिवाजी की जान बचाई थी। या तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि उन्होंने शिवाजी की रक्षा की थी, उन्होंने शिवाजी की रक्षा की थी या जान बचाई थी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के अनुसार भारत माता किन पर गर्व करती है। उत्तर लिखिए, शिवाजी के अनुसार भारत माता तानाजी जैसे सेना नायकों पर गर्व करती है नेक्स्ट क्वेश्चन, मालव जी के बारे में तानाजी की क्या राय थी। तानाजी मालव जी की वीरता और साहस पर मुग्ध थे। तानाजी माधव जी तानाजी मालव जी की वीरता और साहस पर मुग्ध थे।
ताज पर मुग्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानाजी ने शिवाजी के किस गुण पर आश्चर्य प्रकट किया? तानाजी ने शिवाजी के किस गुण पर आश्चर्य प्रकट किया? उत्तर लिखिए। बालक के प्रति दया दिखाने के, बालक के प्रति दया दिखाने के शिवाजी के गुण, शिवाजी के गुण पर शिवाजी के गुण पर तानाजी ने आश्चर्य प्रकट किया। बालक के प्रति दया दिखाने के शिवाजी के गुण पर तानाजी ने आश्चर्य प्रकट किया। नाइन्थ क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मालव जी ने माँ को क्या नहीं बताया? माला जी ने अपने को मिलने वाले मालव जी ने अपने को मिलने वाले मृत्यु दंड की बात, मृत्यु दंड दिया है टेक्स्ट बुक में, मृत्यु दंड की बात माँ को नहीं बताई। मृत्यु दंड की बात माँ को नहीं बताई। लास्ट क्वेश्चन लिखिए, अंत में मालव जी ने कौन सी प्रतिज्ञा की? उत्तर लिखिए। अंत में मालव जी ने यह प्रतिज्ञा की कि अच्छा, पहले एक वाले की में बड़ी ई आएगी और फिर दूसरे की में छोटी ई आएगी। प्रतिज्ञा की कि शरीर में जान रहने तक वह मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मुहावरे और उनके अर्थ और उनके वाक्य। तो सबसे पहला है दंड भोगना। दंड भोगने का मतलब क्या होता है? सजा पाना, ठीक है। और उसके वाक्य में लिख सकते हैं कि चोरों को चोरी का दंड भोगना पड़ा, ठीक है। दूसरा है प्राण न्योछावर करना। प्राण न्योछावर करना है मतलब जीवन समर्पित करना, जो जिसे हम कहते हैं बलिदान देना, है ना, अपने शरीर का बलिदान देना, जो जीवन का बलिदान देते जो, तो उसका मतलब क्या है कि भगत सिंह ने देश के लिए प्राण न्योछावर कर दिए। भगत सिंह की जगह आप कोई भी लिख सकते हैं, आप झांसी की रानी भी लिख सकते हैं, झांसी की रानी है, चंद्रशेखर आजाद है ना, उन लोगों ने अपने देश के लिए रक्षा के लिए प्राण न्योछावर कर दिए, ठीक है। तीसरा है वध करना, मतलब हत्या करना, मार डालना, ठीक है। तो उसमें क्या है, कृष्ण ने कंस का वध किया। ये आप दूसरा भी लिख सकते कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। तो जो अपने कथाओं में जो है, जो भगवान है, जो भी देवता है, किसी ने भी राक्षस का वध किया, तो उसका भी आप लिख सकते हैं ना। तो चौथा है आंखें खुलना। आंखें खुलने का मतलब है जग जाना, बोले या मेरी आंखें खुल गई, है ना, तुमने मेरी आंखें खोल दी, है ना।
मतलब हमें जानकारी, अच्छी जानकारी मिलने के बाद हमारी आंखें खुल जाती है ना, तो उस हिसाब से ये शब्द सेंटेंस है। आज ठीक सुबह मेरी 5 बजे मेरी आंखें, तो इसमें दो तरीके के है ना, एक आपकी जो फिजिकल आंखें या आपकी मेंटल आंखें, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकली के आधार पर देख लो, आज ठीक सुबह 5 बजे मेरी आंखें खुली, या कोई भी टाइम जब आपकी जो आंखें खुलती है वो आप लिख सकते हैं। तो प्राण गंवाना, प्राण गंवाना का मतलब है जान देना, वही लगभग ही सिमिलर है, दोनों लगभग वैसे सिमिलर है, बस कुछ थोड़ा सा इसकी जो मीनिंग का जो ढंग है वो थोड़ा अलग है। ठीक है, तो जान देना, प्राण गंवाने का जान देना, तो उसने देश के लिए अपने प्राण गंवाए। ठीक है, उसने अपने देश के लिए प्राण गंवाए, सिंपल। तो सीखते हैं फूट फूट कर भरी होना, फूट फूट कर, इसे फूट फूट कर और फूट फूट कर, फूट फूट कर भरी भरी होना, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना फूट फूट कर, वे लगभग वैसे फूट फूट कर, मतलब उसमें कितने चीज भरी पड़ी है, मतलब कोई भी चीज, या तो किसी में मस्ती बहुत फूट फूट के भरी रहती है, किसी में और किसी चीज में फूट फूट के भरी होती है, तो उसी के हिसाब से फूट फूट कर भरी होना, मतलब खूब भरी होना। क्या है इसका वाक्य, कि इस बालक में वीरता, एक्चुअली फूट फूट कर, बाय मिस्टेक आई रिटन, इट्स फूट नॉट फूट फूट कर, इट्स फूट फूट कर भरी है। ओके, नेक्स्ट है कसर न रखना, कसर न रखना का क्या अर्थ है, कमी न रखना, नॉट तो, ओके, कमी न रखना, कोई कमी, कोई कसर न, मतलब किसी की सेफ्टी में या किसी चीज में, तो ये शब्द है मैं आपकी सेवा में कोई कसर न रखूंगा, या फिर आपकी सुरक्षा में कोई कसर नहीं होगी, है ना, कोई कमी नहीं होगी, ऐसे बोलते ना कोई नेता की सुरक्षा के लिए, या किसी की जो मेहमान है उनकी सुरक्षा के लिए, तो उनकी क्या भी ऐसे बोलते, खातिरदारी में कोई कसर नहीं होगी, है ना, किसी की खातिरदारी में, तो ये भी उसमें आता है। आठवां है छाती से लगाना, छाती से लगाना मतलब प्रेम करना, जैसे पहले भी आपको कह चुका हूं कि पिता बेटे को छाती से लगाए, प्रेम किया, मतलब पिता ने अपने बेटे को, या फिर गुरु ने अपने शिष्य को, है ना, या दो मित्रों का, है ना, दो मित्रों ने एक दूसरे को छाती से लगाया, वो भी लिख सकते हैं, है ना, दो अपने दोस्त मित्रों को प्रेम से छाती से लगाते हैं कि नहीं, जब लंबे समय के बाद मिलते तब। तो नवा है हिम्मत न पड़ना, हिम्मत न पड़ना मतलब साहस न होना, तो इसमें भी आप अलग से लिख सकते हैं कि उनसे लड़ने कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, या उनसे कुछ कहने की हिम्मत, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कुछ कहने की, है ना, कुछ बोलने की, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह चैप्टर नंबर 6 आज हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, और भी किसी को कोई डाउट हो तो आप यहाँ आके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये पॉज करके आप इसे अवश्य लिखें, ये अति आवश्यक मुहावरे है। ठीक है, तो आज तो बस इतना ही, अगला चैप्टर हम अगले दिन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।